मेरे प्रीवियस वीडियो में मेहुल शाह ने कमेंट किया था, सर मैं जॉब के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो आपके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बाकी लोग की स्ट्रैटेजी आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आप बिजी हो, आप कंपनी का काम कर रहे हो, काफी सारा एनर्जी वहां पर वेस्ट हो चुका है, इसलिए आप ज्यादा कुछ नया पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि मंडे टू फ्राइडे आप प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पढ़ा है कंसेप्ट उसके PYQs बनाओ, और हो सके तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो डेली बेसिस पर, और गेट के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। और सैटरडे संडे आपको कंप्लीटली फोकस करना है सिलेबस कंप्लीशन पर, नए कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, कंप्लीट नोट्स आपको बनाना है और शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर आप ये कह रहे हो कि सर जी मेरी इतनी हाई प्रेशर जॉब नहीं है, मेरे को कम प्रेशर ही है, कम समय ही लगता है जॉब में, ठीक है, तो फिर उस केस में आपके लिए बेनिफिट है, आप डेली एक घंटा निकाल सकते हो कुछ नया कंसेप्ट पढ़ने के लिए, तो आप डेली बेसिस पर अपना अवर्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपका रिस्क एक्चुअली कम है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं जो है ना ड्रॉप लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको बहुत ही रिस्क है, क्योंकि अगर उस अटेम्प्ट में नहीं निकला ना तो उन्हीं को पता है उस पर क्या बीत रही है। सच बता रहा हूं मैं, बड़ा कठिन मामला होता है, क्योंकि घर वाले प्रेशर करते हैं, सेल्फ डाउट आता है, सोसाइटी एकदम से उनको ऐसे नजरों से, जो बहुत ही गलत बात है। कोई अगर अटेम्प्ट कर रहा है, कोई ट्राई कर रहा है, तो हमें मोटिवेट करना चाहिए, बट लाइफ की रियलिटी ये है, जब तक आप कुछ बन नहीं जाते ना तब तक लोग आप पर हंसेंगे। जिस दिन आप कुछ बन गए ना तो वही लोग कहेंगे अरे मैं जानता था, इसमें तो वो स्पार्क थी, इसमें तो वो बात थी, है ना, मैंने तो इसको कहा था, सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। पर ये है, तो मैं जो जॉब जो कर रहे हैं ना उनके पास उतना रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं भी हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लान प्रॉपरली करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होना चाहिए, बट अगर नहीं भी हुआ तो खुद को मोटिवेटेड ही रखो कि सेकंड अटेम्प्ट दे देंगे, इतना सारा हो गया तो क्या बात है, ठीक है। चलो अब जो फोर्थ पॉइंट है, आप लाइव क्लासेस के चक्रों में मत फंसना। कोई भी कोर्स आप परचेज कर रहे हो, अगर श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप से भी पढ़ाई कर रहे हो मैथ्स एंड एप्टी की, तो रिकॉर्डेड कोर्स ही लेना, वही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, बेनिफिट रहेगा। और फिफ्थ पॉइंट, मोटिवेशन की आप में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं अगर डीमोटिवेट हो रहे हो ना जॉब कर लो, वहां पर पता चल जाता है कि बॉस कितने ताने देता है, कितना काम देता है, इतना काम करने के बाद भी सैलरी बड़ी कम देता है, तो अपने आप मोटिवेशन आ जाती है कि हायर पैकेज चाहिए, अच्छी पोजीशंस में जाना है, अच्छा काम करना है, नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, अपने डोमेन के हिसाब से काम करना है, तो आप ऐसे इंटरनली मोटिवेटेड रहते हो। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे बतानी थी, और कोई भी स्टूडेंट्स के कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला वीडियो मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहूंगा इसी चैनल पर। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू।